हेलो, स्वागत है आपका। ओसीडी ट्रीटमेंट के बारे में अभी आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मनोविकार, सेक्स रोग, संमोह तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। होता क्या है कि पेशेंट्स तैयारी होते नहीं है कि भाई उनको कुछ बीमारी है और उसके लिए साइकेट्रिस्ट का इलाज करना चाहिए। कभी कभी रिलेटिव्स भी तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा विचार करता है, ज़्यादा सोचता है, ज़रा सोचना कम करो, बहुत ज़्यादा तू सोचता है, ऐसा करके उनको चुप बिठा दे। और इसलिए फिर 8 से 10 साल लग जाते हैं एवरेज में डॉक्टर के पास में पहुँचने के लिए। तो ये बीमारी है, सबसे पहले लोगों ने मानना चाहिए। और उसके लिए अनेक अलग अलग जो ट्रीटमेंट है उसमें है, सबसे पहले दवाई। दवाई का जो फ़र्क है, मतलब मेडिसिन का जो फ़ायदा है, वो 4 से 6 हफ्ते में फ़ायदा दिखाई देता है। और अच्छा फायदा दिखने के लिए 8 से 16 हफ्ते लग जाते हैं। इसमें जो हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले SSRI है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, जिसमें फ्लॉक्सेटिन से लेके सर्ट्रालिन है, एसिटालोप्राम है। ये दवाइयाँ हैं जो 20 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम तक दी जाती है। और इसमें 50 से 70% फायदा लोगों को होता है। दूसरी जो दवाई है वो है क्लोमिप्रेमिन। क्लोमिप्रेमिन जो है उसका डोज धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है। और 2-3 हफ्ते में इसका पूरा जो लेवल है वो अचीव करना चाहिए, और वो हो सकता है 225 से लेके 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। इसमें गैस्ट्रिक एसिडिटी भी होती है ये दवाई से, कभी कभी पेट में भी ठीक नहीं रहता, मतलब मुंह सूख जाता है। इसके अलावा जो दवाई का इस्तेमाल और ट्रायल दिया है उसमें वेलप्रोएड है, लिथियम है, कार्बामेज़ेपिन है, वेनलाफैक्सिन है, रेस्पिरेडॉन है, ऐसे अलग दवाइयाँ मतलब ट्राई की हुई है। दूसरा रोल जो आता है वो है बिहेवियर थेरेपी का, वर्तणूक उपचार। इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ का ऑब्सेशन या कंपल्शन है, वो चीज़ उसको कराने के लिए बोले जाता है व्यक्ति को। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाथ गंदे हैं तो उसके हाथ लिटरली गंदे किए जाते हैं, और हाथ गंदे करके फिर उसको वही अवस्था में रखा जाता है, उसका एक्सपोजर किया जाता है। और जो रेस्पॉन्स देता है वो हाथ धोने का, उसको प्रिवेंशन किया जाता है। तो ये क्लिनिक में आके उसको बार बार ट्रीटमेंट दी जाती है, घर में प्रैक्टिस करने के लिए बोले जाता है। फिर बिहेवियर थेरेपी में है डिसेंसिटाइजेशन, थॉट स्टॉपिंग, फ्लडिंग। तो ये अलग अलग जो उसके मेथड्स है अलग अलग, तो वो अलग अलग मेथड्स ऐसे बिहेवियर थेरेपी के ट्राई किए जाते हैं। इसके अलावा इम्प्लोजन थेरेपी भी है, एवर्शन कंडीशनिंग भी है। तो ऐसे बिहेवियर थेरेपी के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट है, मोडेलिटीज़ वो उसको दी जाती है। उसमें से जो फायदे का रहता है वो कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी का एक प्रकार है, वो किया जाता है, उसके ऊपर दिया जाता है मानसोपचार, या फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी दी जाती है। अब ये अलग अलग नहीं किया जाता, मतलब मेडिसिन है, बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, ये सब एक साथ में किया जाता है। जब एक साथ में दिया जाता है तो उसका फायदा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जो बहुत ही रेजिस्टेंट है कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसमें हम इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, मतलब शॉक ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा यदि पेशेंट वही 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 काम कर रहा है, तो वो घर के वातावरण से उसको बाहर निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ताकि हॉस्पिटल के वातावरण में वातावरण बदल होने के बाद में क्या होता है कि वो उसको एक्सपोजर जो होता है बार 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 बार, वो टल जाता है हॉस्पिटल में, अच्छा हो जाता है। सिर्फ उसका वातावरण बदल जाए तो अच्छा हो जाता है। तो इसमें हम कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, कुछ करके फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी, सब हार्ट टिक गया और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो साइको सर्जरी है, मतलब ब्रेन की सर्जरी की जाती है, जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस या सिंगुलस, मतलब सिंगुलोटॉमी, ऐसे सर्जरी जो है वो की जाती है, जिससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे अलग 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 ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है। मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि ऐसे लोग जो है आपके आसपास में, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा है कि 1% लोग आबादी के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है, और ओपीडी में, साइकेट्रिक आउट पेशेंट में आने वाले जो पेशेंट है, उसमें 8 से 10% है कि जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जितने अर्ली अवस्था में, जितने जल्दी इसको हम पकड़ लेते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो चांसेस है कि अच्छा जल्दी हो जाएगा।
आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको ये शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो घंटी आती है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो ताकि मुझे प्रेरणा मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो आपको आपके लिए बनाने के लिए। जरूर वीडियो शेयर कीजिए। हमारा मिशन जो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी योगदान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।